हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाते हैं राजस्थानी डिश गट्टे की सब्जी एक नए अंदाज में। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, आधा कटोरी तेल, आधा कप दही, एक हरी मिर्च, दो लाल टमाटर, नमक स्वादानुसार, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच राई जीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच अदरक कसा हुआ, आधा चम्मच हींग, एक चम्मच गरम मसाला। अब हम गट्टे बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में बेसन लेंगे, जिसमें हम नमक स्वादानुसार डाल देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पहले से मिक्स कर लेंगे। अब तेल और पानी की सहायता से इसे गूंथेंगे। तेल जहाँ तक हो ज़्यादा ही डाल दें, जिससे गट्टे बिल्कुल नरम बनेंगे। पानी थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि बेसन गीला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। हमारा बेसन का डो तैयार है, इससे हम अब गट्टे बनाएंगे। हाथों में तेल लगाकर गट्टे बनाएंगे। गट्टे थोड़े से मोटे रखे हैं। अब हमारे गट्टे तैयार हैं, इन्हें हम अब गर्म पानी में उबाल लेंगे। पानी हमने पहले से उबाल के रखा है, अब हम इसमें गट्टे डालेंगे। अब हम चाकू डाल के देख लेंगे कि गट्टे हमारे हो गए क्या। गट्टे हो चुके हैं, क्योंकि चाकू साफ बाहर आ रहा है। अब इन गट्टों को सही आकार में काट लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम हो हम मसालों का घोल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम मिर्ची लेंगे, धनिया लेंगे, नमक स्वादानुसार, अमचूर, गरम मसाला और दही के साथ इसको घोल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ध्यान रहे दही में कोई गांठे ना रहे। तेल गरम हो गया है, हम इसमें जीरा और राई डालेंगे, हींग डालेंगे, कसा हुआ अदरक, मिर्ची और टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें मसालों और दही का घोल डाल देंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे। अब हमारी ग्रेवी उबल गई है, हम गट्टे इसमें डाल देंगे।
हम इसे ढककर धीमी आंच में 1-2 मिनट पकाएंगे। एक बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारी राजस्थानी डिश गट्टे की सब्जी तैयार है।